परिवार है? तुम जरा पूछ के देखो इनमें से कोई उसकी सेवा का भार लेने को तैयार है। सरकार भला इनमें से कौन रहना चाहेगी इस बुढ़िया के साथ? मैं तैयार हूँ। हुजूर जेलर साहब आप हुक्म दीजिए, मैं रामदेही की सेवा अच्छी तरह कर सकूंगी। हम तो यहाँ हमारे काम के पीछे जा रहे हैं और वहाँ अस्पताल में कल्याणी पाव पसारे आराम कर रही है। पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें अस्पताल में क्यों ड्यूटी दी है? तपेदिक के मरीज की सेवा करना तुम्हारे लिए खतरनाक है। जी ये ड्यूटी मैंने अपनी मर्जी से ली है। कल्याणी सुनो। कहिए। जब तुम काम में मशगूल होती हो तो बहुत ही सुंदर लगती हो। एक कन्फर्म क्रिमिनल के साथ रोमांस? छी। अरे भाई तुम लिखे पढ़े हो, एक डॉक्टर हो, अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते हो, खानदान की इज्जत आबरू भी तो कोई चीज है। अरे बंधु इसे कहते हैं लव यानी कि प्रेम। बड़े शर्म की बात है, हमारे डॉक्टर और वो है ना सी क्लास कैदी, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ कल्याणी, मरीज देखने का तो एक बहाना होता है सर, घंटों दोनों इकट्ठे बैठे बैठे। कल्याणी मुझे तुम्हारे बीते दिनों से नहीं तुम्हारे आज से मतलब है, अगर आज भी तुम मेरे मन की आवाज नहीं सुन सकती तो मैं इंतजार करूंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर कल्याणी ने ये कॉपी आपके पास भेजी है। हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए। मेरी राय है कि कल्याणी की शादी विकास के साथ हो जानी चाहिए। हमारे बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ बेटा मैंने कल्याणी को तुम्हें सौंप देने का निश्चय कर लिया है। यहाँ से जाने के 2 महीने बाद उसकी एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि पुलिस ने तो उसे अब छोड़ दिया है लेकिन मलेरिया ने जकड़ रखा है। विकास अब लखनऊ में नहीं रहता है, पटना में नौकरी कर ली है और उसने शादी भी कर ली है। जब उस बदमाश छोकरे को घर बुलाकर अपनी लड़की के सामने ही प्रेम भरी कविताएं सुनाया करते थे तब पूछा था हमसे। तेरे लिए कितना जलील होना पड़ता है मुझे, या तो तू इस घर में से निकल जा या फिर मैं निकल जाता हूं। आज शाम को जब मैं उसके पास बैठा था वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, इतनी सी देर में ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी।